तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस यार मैं काम से जा रहा था पलिटो पे, गाइस हमें काम तो मिल नहीं रहा है, लेकिन एक सेकंड कौन है ये बंदा? अरे यार मुझे लिफ्ट दे दो यार। अरे क्या हो गया सर जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अच्छा वो भाई यार तुम रुक गए। अरे यार भाई तुम्हें क्या बताऊँ यार, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और मुझे 1000 करोड़ की मीटिंग के लिए जाना है। ओ भाई साहब 1000 करोड़ की मीटिंग? ओ भाई इन्वेस्ट करने वाले हो क्या 1000 करोड़? अरे हाँ यार ऐसा ही कुछ समझो यार, प्लीज यार मुझे उस लोकेशन पे पहुँचा दो यार, ये घटिया गाड़ी। अरे सर ये घटिया गाड़ी है क्या? ये तो मर्सिडीज बेंज जी वैगन है, ये तो कई लोगों का सपना है। अरे यार मुझे प्लीज यार उस लोकेशन पे छोड़ दो यार। हाँ ठीक है सर, बैठ जाओ गाड़ी में, आपको छोड़ देता हूँ मैं उस लोकेशन पे जहाँ पर आपकी 1000 करोड़ की मीटिंग चल रही है। लेकिन सच में 1000 करोड़ की मीटिंग ही चल रही है या मेरे को चूना लगा रहे हो? अरे मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगा यार, प्लीज मुझे जल्दी से पहुँचा दो उस लोकेशन पे, जल्दी करो जल्दी करो। 1 करोड़ सिर्फ लोकेशन पे छोड़ने के लिए? ओ भाई सब गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही अमीर बंदा है। हाँ ठीक है सर, मैं आपको लोकेशन पे जल्दी से जल्दी पहुँचाता हूँ। तो सर यही थी ना वो लोकेशन? अरे हाँ यार द रिच मैन होटल, ये तो अपना ही है आधा। अच्छा तो ये रिच मैन होटल है। हाँ? अबे जल्दी करो यार बस 5 मिनट बचे। अरे लो सर पहुँच तो गए, जल्दी उतरो गाड़ी से फिर। अरे थैंक यू यार भाई साहब, बस वेट करना थोड़ा सा, मैं बस आधे घंटे में अपनी मीटिंग खत्म करके वापिस आता हूँ। तो चलो गाइज यार ये तो चल गया है रिच मैन होटल, और आप गाइज ये देख सकते हो ये रिच मैन होटल है, कितना बड़ा है, इसकी पार्किंग भी देख सकते हो आप। तो गाइज यार जैसे कि इसने बोला था ये 1 करोड़ देगा हमें उस लोकेशन पे पहुंचाने के लिए, तो अभी हम बस वेट करना है, और इसके पता नहीं ये कहाँ से देगा 1 करोड़। लेकिन हम इससे 1 करोड़ तो लेकर ही रहेंगे, चाहे ये कितना भी बड़ा बदमाश हो या फिर अगर अमीर होगा तो ये दे ही देगा। तो अभी हम वेट करने वाले उस बंदे का जो कि हमें देने वाला है 1 करोड़। अरे यार थैंक यू यार, उस बंदे को 1 करोड़ भी देने हैं, क्या ही तो भाई क्या ही तो, 5 मिनट पहले मीटिंग में पहुंच गया मैं। और ये तो सामने खड़ा वो बंदा। अरे हेलो भाई जल्दी से चलो मेरे घर पे, मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है सर, आ जाओ फिर, बैठ जाओ गाड़ी में, आपको घर भी छोड़ दूंगा और पैसे भी ले लूंगा। अरे हाँ वैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई? अरे सर मेरा नाम तो फ्रैंकलिन है। और तुम काम क्या करते हो? सर मैं अभी फिलहाल तो कुछ काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को काम मिल ही नहीं रहा है, तो अभी मैं फिलहाल तो वेला बैठा हूँ। अच्छा तो फ्रैंकलिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। अरे बोलिए सर। मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करता हूँ मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की। अरे सर मैं आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को पैसा एकदम टाइम पे चाहिए और वो भी काफी ज्यादा। तो फ्रैंकलिन यार तुम खुश हो मेरी जॉब पाकर? अरे हाँ सर बिल्कुल, आपका सिक्योरिटी गार्ड तो बन गया मैं, ये इतनी बड़ी बात है। हाँ तो ये सामने वाला घर अपना ही है। अच्छा ये वाला? ओ भाई साहब ये घर तो काफी बड़ा है। ओ भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे इतनी प्रॉपर्टी है ना लॉस सेंटोस में। यार सर आप तो ज्यादा ही अमीर है। तो चलो फ्रैंकलिन आ जाओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक यूनिफॉर्म देता हूँ मेरा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म भी होता है? ओ भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। तो चलो गाइस यार मेरे को तो पता लग चुका है, और ये हमने डुबकी मारी स्विमिंग पूल में। ओ भाई साहब क्या ही क्रेजी स्विमिंग पूल है भाई। तो गाइस यार मैं बन चुका हूँ इस बिलियनर का पर्सनल बॉडी गार्ड, जो कि गाइस हमें बहुत ही खतरनाक पैसे पे कर रहा है। और अभी हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं हमारे कपड़े। तो चलो गाइस यार मैंने तो पहन लिया है पर्सनल बॉडी गार्ड की यूनिफॉर्म, और अभी हम जल्दी से पहुँचते हैं सर के पास और पता करते हैं हमारा अगला टास्क क्या होगा। अरे वाह यार फ्रैंकलिन तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है तो ये यूनिफॉर्म तुम पर सूट कर रहा है। अरे कुछ नहीं यार सर, वो तो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रैंकलिन जल्दी मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें अगला काम देता हूँ, और उसमें से तुम्हारे कुछ जो 1-2 करोड़ थे वो भी ले लो, मतलब तुम बाकी पूरे ही रख लो। हाँ सर चलिए आ रहा हूँ मैं आपके पीछे। तो सुनो फ्रैंकलिन मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, उस गैराज में कुछ बंदों ने हमारे 12 करोड़ ले लिए, तो वो देने के लिए रुके, तुम जाकर वहाँ से लेकर आ जाओ। 12 करोड़ मतलब उन्होंने चोरी किया था कि तुमने ही दिया था? मैंने ही उनको 12 करोड़ हेल्प करने के लिए दिया था। हाँ तो ठीक है सर कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से लेकर आ जाओ, और इन गाड़ियों में से तुमको जो पसंद आती है वो भी लेके जाओ, क्योंकि तुम हमारे आज से पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हो, तो तुम ये बात ध्यान रखना। हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं ये ब्लैक रेंज रोवर लेके जाऊंगा। तो चलो गाइस यार हमारा पहला काम है, हमें 12 करोड़ लाने हैं, पता नहीं वो कहाँ से कौन से गैराज में भाई।
तो चलो गाइज मैं फुल रेडी हो चुका हूँ हमारे 12 करोड़ लेने के लिए, क्योंकि गाइज हमें ये बंदे ने बोला है जो भी पैसा होगा वो हम ही रखेंगे। वैसे गाइज यार पैसा तो बहुत है गाइज पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का, मतलब देख रहे हो गाइज हमें 12 करोड़ ऐसे ही मिल रहे हैं। और हाँ गाइज इसे घर पे मत जाना, इसका घर भले ही दिखने में छोटा हो लेकिन गाइज ये रिच मैन होटल का 50% शेयर्स होल्ड कर रहा है। और आपको बता दूं गाइज रिच मैन होटल ये लॉस सैंटोस की सबसे एक्सपेंसिव होटल है गाइज। तो ओके गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा है, सामने से है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये रहा। तो गाइज यार वो बोल रहे थे कि जो भी मतलब ब्लैक शेडिंग जो है ना वहाँ पर हमें वो बंदे मिलेंगे जो हमें 12 करोड़ देने वाले हैं। तो गाइज यार मैं कोई गनवन यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ये वो बंदे का है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो गाइज वो बंदा इनको छोड़ेगा नहीं। अबे ओए चने अंदर कैसे आया तू? देख भाई मेरे को मेरे बॉस ने भेजा है 12 करोड़ के लिए, लेकिन मैं कैसे मान लूं? फोन लगा के देखूं? अबे साले अपना आइडेंटिटी कार्ड बताना चाहिए था ना। अबे भाई मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। अरे सॉरी भाई यार बॉस को मत बताना वरना हम सब मारी जाएंगे यार। हाँ साले आइंदा से याद रखियो फ्रैंकलिन क्लिंटन नाम है मेरा। तो चलो गाइज हमें बिना फाइटिंग किए हमें मिल चुके हमारे 12 करोड़, लेकिन गाइज यार इनके तो पसीने छूट गए जैसे इन्होंने फोन लगाया बड़े बॉस को। तो मुझे तो पता नहीं गाइज ये बॉस कितने इलीगल काम करता है या फिर कोई लीगली काम करता है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम जल्दी ही ढूंढने वाले क्योंकि गाइज हमें इनके पर्सनल सिक्योरिटी बॉडीगार्ड और ये हमें हर जगह ले जाने वाले। तो जल्दी से पहुंचते अब हम हमारे बॉस के घर पर। और हाँ गाइज अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो चलो गाइज यार मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने उस बॉस के घर पर जहाँ पर हमने आज अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ज्वाइन किया। अबे तेरी भैंस की साले, अबे साले तेरे को पता है क्या मेरा बॉस कौन है भाई? चलो छोड़ो यार ऐसे घटिया बंदे तो हमें मिलते रहते हैं। अभी हम जल्दी से पहुँचते हमारे बॉस के पास और बाकी के बातें करते क्या करना है अब हमें। एक काम करते गाइज हमारा बॉस किधर है? लेकिन बॉस तो नहीं मिल रहा, जैसी गाड़ी थी मतलब इसे थोड़ा छाव में खड़ा कर देता हूँ क्योंकि गाइज ये ब्लैक गाड़ी है ना, धूप को मतलब इससे कलर उड़ जाएगा हमारी गाड़ी का। तो चलो गाइज अभी हम पूछते हमारे बॉस के पास जो कि पुल साइड ही हो गए। अरे हेलो बॉस, लो आपके 12 करोड़ तो आ गए। अरे वाह यार फ्रैंकलिन, कहीं उन बंदों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं सर, मैं जैसे गया वो बोले बॉस के 12 करोड़ लेकर चले जाओ तुम। और हाँ फ्रैंकलिन, ये जो लड़की देख पा रही हो ये है मेरी पर्सनल असिस्टेंट और इसका नाम वेंडी है। आज से तुम इसके साथ ही काम करोगे और ये तुम्हें बताएगी क्या का काम पेंडिंग पड़ा है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल क्यों नहीं। तो बाय गाइस, मिलते आपको अगले वीडियो में।